डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11, वर्क एंड एनर्जी। इसमें हम लोगों ने वर्क कंप्लीट कर लिया है, एनर्जी के बारे में पढ़ लिया, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड द एनर्जीज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, दैट इज़ द मैकेनिकल एनर्जी एंड अंडर दिस पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन एंड इसका फॉर्मूला रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट। देन आपका आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की भी बेसिक इन्फॉर्मेशन और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट, ये सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब आपका लास्ट टॉपिक चैप्टर का बचता है, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, जब भी कुछ भी आपका एनर्जी का कन्वर्जन होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर इज़ कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जब भी एनर्जी का कन्वर्जन होता है फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, द टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स द सेम। आपकी टोटल एनर्जी हमेशा ही सेम रहेगी। जैसे कि हमने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, जिसमें कि आपका ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑलवेज रिमेन्स द सेम। इन द सेम मैनर जब भी एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, एट दैट टाइम द टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है। एंड दिस कम्स अंडर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो लेट अस सी व्हाट डज दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स। इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कि एनर्जी को हम एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको हम कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जब भी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ इसके, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट अस रीड दिस। लेट एन ऑब्जेक्ट बी अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट आपने लिया है और उसको हम हाइट से फ्रीली फॉल होने देते हैं। एट द स्टार्ट द पोटेंशियल एनर्जी इज मोर। जब भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है फॉल होना, इनिशियल स्टेज में उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे जैसे वो फॉल होना होता रहता है, पोटेंशियल एनर्जी आपके जो है काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती चली जाती है। इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एनर्जी इंक्रीज है, फिर डिक्रीज्ड है, फिर वही एनर्जी डिक्रीज हो रही है, दूसरी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्जन या चेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है। यहाँ पे जो है आपका जो है एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, टोटल एनर्जी हमेशा ही सेम रहेगी। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ अबाउट टू रीच द ग्राउंड, अब वही ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड को टच करने वाला होता है, काइनेटिक एनर्जी उस टाइम पे उसमें लार्जेस्ट होती है और पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम पे सबसे कम रहती है। बट द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज द सेम एट ऑल द पॉइंट्स। अगर आप देखेंगे कि हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने में उसको जितना टाइम लगा और उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे अगर हम टोटल एनर्जी, आपकी मैकेनिकल एनर्जी टोटल जो है उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा ही सेम रहेगी। वो बात अलग है कि कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, कहीं पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। सो द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का जो सम टोटल है वो हमेशा ही कॉन्स्टेंट रहेगा। एंड द सम ऑफ दिस पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इट इज़ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट हम, तो स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।